नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, शिक्षक तबादला को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का ऑफलाइन होगा तबादला। पूरे प्रदेश में 6000 अति से शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें अति से शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया होनी थी, लेकिन अब विभाग अपने फैसले से पलट गया है। विभाग ने कई जिलों के अति से शिक्षकों की सूची समय सीमा में जारी नहीं की। इस वजह से उनका तबादला अब ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की सूची नहीं होने से समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि अति से शिक्षकों का भी ऑनलाइन पद स्थापना की जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख निकलने के बाद अति से शिक्षकों की सूची जारी की गई। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 22 जुलाई को अति से शिक्षकों की सूची जारी की। इससे अति से शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। अब उनकी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पदस्थापना होगी। भोपाल जिले के अति से शिक्षकों की पद स्थापना पहले करनी थी, इसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होकर नियुक्ति करानी थी। अरविंद भूषण श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक शिक्षा समिति मध्य प्रदेश, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, जैसे सभी शिक्षक साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।